माननीय सदस्यगण, कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ। देश के 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी जा चुकी है। खेतों के नज़दीक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी मेरी सरकार अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रही है। 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम की शुरुआत भी की है। सरकार ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विशेष प्रयास भी कर रही है। यह आप सभी की जानकारी में है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FPOs, फूड इंडस्ट्री और जन सामान्य के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर मनाएगी। मेरी सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64,00,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सरकार ने हजारों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आय को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की।